देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर आलू का बटकर। इसमें क्या क्या पड़ता है मसाले में देख लीजिए। लहसुन, जीरा, गोल मिर्च, एक बड़ी इलायची, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता, लहसुन का पत्ता, प्याज का पत्ता, इतना ही पड़ता है। इतने से हम बनाएंगे बटकर, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। अगर आपको भी जानना है कैसे बनता है ये, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, इसमें ये करौली भी जाता है। आप लोग करौली जानते होंगे, मार्केट में भी अवेलेबल रहता है ये करौली, और घर पर भी बड़ी है बुजुर्ग हमारे बनाते हैं। अगर आपको इसका भी रेसिपी चाहिए कि ये कैसे बनता है तो कमेंट करें, तो मैं इसकी भी वीडियो लेकर के आऊँगी। सबसे पहले देखिए, हम गैस ऑन कर देते हैं, कढ़ाई डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तेल, पहले कढ़ाई गर्म हो जाए तब। ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई अब गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे तेल, बस ज़्यादा लगे तेल अगर आपको डालने में तो निकाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, तेल मेरा गर्म हो रहा है। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं, पहले करौड़ी को हल्का फ्राई करके निकाल लेते हैं। हल्का फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो जल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा करौड़ी हल्का फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पूरा। देखिए दोस्तों, हमारा इधर आलू अगर भून जाए हल्का, तो इसमें हम डालेंगे मटर, और तब तक से ये मसाला को पीस लेते हैं। और मसाला पीसने के बाद हल्का मटर भी, इसका आधा मटर हम डालेंगे भूनने के लिए आलू के साथ, और थोड़ा मटर, आधा मटर हम क्या करेंगे ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। मसाले में ये सब भी, धनिया का पत्ता, लहसुन का पत्ता, प्याज का पत्ता भी पीसेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हम जितना मसाला दिखाया था सब डाल लिए हैं। लहसुन का पत्ता, प्याज का पत्ता, धनिया का पत्ता, इलायची, गोल मिर्च, जीरा, हरा मिर्चा, लहसुन, इतना ही मसाला डालते हैं बस। ये देखिए दोस्तों, बीच बीच में हम आलू को चला भी ले रहे हैं कितना, और ये मेरा मसाला हो गया है पीस कर रेडी। अब अच्छे से नहीं पिकाया है इसको, मैं फिर से एक बार और चलाऊँगी। ये देखिए दोस्तों, मसाला मेरा पिसा चुका, ये पीस कर रेडी हो चुका है मसाला। और अब हम मटर को डाल देंगे कढ़ाई में हल्का भूनने के लिए, और फिर उसके बाद मसाला डालेंगे कढ़ाई में। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें मटर डाल दिए हैं हल्का भूने, अब इसमें मसाला भी डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, सब्जी में मसाला डाल दिए हैं और हल्दी डाल दिए हैं, अभी नमक नहीं डाले हैं। मसाला हल्का भुजा जाए तब इसमें हम नमक डालेंगे। और इधर हम तब तक से जो मटर आधा हम रखे थे उसको हम हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मटर भी ग्राइंड कर लिए हैं, पूरा नहीं पीसते हैं, हल्का दरदरा पीसते हैं। अब ये हल्का मसाला भून जाए तो उसमें इसको भी डाल के थोड़ी देर भूजते हैं मसाले के साथ। ये देखिए दोस्तों, वो मटर जो हम पीसे थे दरदरा, वो इस सब मसाले के साथ मिला लिए हैं, और उसमें हम स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। ये देखिए, हमने एक चम्मच नमक डाल दिया अपने स्वादानुसार। दोस्तों, इसमें हम हींग डालना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, इसको हम अभी हींग डाल देते हैं। ये मटर गैस बनाता है तो हींग डाल देना चाहिए, जो कि स्वाद में भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें हम हींग डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून। दोस्तों, इधर हम जा रहे हैं गोभी का पकौड़ी बनाने, इसके लिए हम लिए हैं चावल का आटा, और इसमें भी डालेंगे हम बेसन। मसाला जो सब्जी के लिए पीसे थे उसमें थोड़ा सा मसाला इसके लिए भी हम रख लिए हैं, क्योंकि पीसे हुए मसाले का स्वाद पकौड़ी में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम पीसे हुए मसाले का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ये देखिए, इसमें हम डाल दिए बेसन, और ये डाल देंगे थोड़ा मसाला, ठीक। इसमें डालेंगे हम हल्दी, नमक स्वादानुसार, हल्दी, नमक, और डालें थोड़ा सा एवरेस्ट का किचन किंग मसाला डाल करके, अब इसको हम मिला लेंगे, पेस्ट को तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये भी भुज रहा है,
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लगभग भुन जा चुका है। और अब इसमें हम पानी पहले से गर्म करके रखे हैं, तो हम इसमें पानी डाल देंगे। पहले ये जो हम पकौड़ी भून के रखे थे वो भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम पानी डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा देर खोलने देंगे ढक करके, 5 से 7 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें गोभी को काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा गोभी कट के रेडी हो गया है। अगर इसमें हमको आलू का या फिर किसी और चीज़ का तरुआ काटना है तो हम काट करके छान सकते हैं। पर फिलहाल तो मुझे गोभी का तरुआ खाने का मन कर रहा है। और इधर हम अपना कढ़ाई बैठा दिए, इसमें तेल डालूंगी। जो हमारा तेल हो गया और डालूंगी